तो नेक्स्ट वन इस सेशन में जस्ट डिस्कस करेंगे अबाउट सॉर्ट डेटा टाइप इन जावा. सॉर्ट के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं. द साइज ऑफ सॉर्ट इट विल टेक्स 2 bytes. इट विल टेक्स ऑलवेज 2 bytes. सेम है रेंज. रेंज के रिस्पेक्ट में बात करें सॉर्ट के केस में सॉर्ट क्या, सॉर्ट इज अ साइंड डेटा टाइप इन जावा. इस जावा के केस में कैरेक्टर्स के अलावा जितने भी न्यूमेरिक टाइप्स हैं सभी न्यूमेरिक टाइप्स कैसे हैं, ऑलवेज साइंड. साइंड मीन्स नेगेटिव नंबर्स भी स्टोर करना पॉसिबल प्लस पॉजिटिव नंबर्स भी स्टोर करना पॉसिबल. मीन्स जावा के अंदर कैरेक्टर्स के अलावा सभी केसेस में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नंबर रिप्रेजेंट करना पॉसिबल हुआ. इन इस केस में इस प्रोसेस में बुलियन को इंक्लूड नहीं करा, बुलियन के अंदर कभी भी नंबर स्टोर कराना पॉसिबल नहीं, ओनली वैल्यू. इसलिए इसका ओनली ट्रू और फॉल्स. इस केस में रेंज क्या है इसका, -32768 +32767 प्लस. इसके अंदर डेटा किस फॉर्मेट स्टोर होगा, ओनली डेसिमल इंटीजर नंबर और इंटीजर टाइप ऑफ डेटा. वन मोर केस, सॉर्ट के केस में सॉर्ट का डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, जैसे बाइट के केस में डिस्कस किया था बाइट को कितने फॉर्म में इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करना पॉसिबल है. बाइट बाइट में तो कन्वर्ट होगा लेकिन बाइट को शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट एंड डबल, इन सभी केस में परफॉर्म किया हुआ डिफॉल्ट कन्वर्जन और इम्प्लिसिट कन्वर्जन. मीन्स जब भी आप किसी बाइट वैल्यू को इस गिवन रिक्वायर्ड टाइप में कन्वर्ट करना चाहो देन आपको कभी टाइप कास्टिंग नहीं होगी, इम्प्लिसिटली कन्वर्जन होगा. सेम है जगह सॉर्ट के रिस्पेक्ट में बात करें, सॉर्ट टाइप का वैल्यू इम्प्लिसिटली सॉर्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है इंट लॉन्ग फ्लोट और डबल. दिस इज द डिफॉल्ट प्रमोशंस. नेक्स्ट वन सॉर्ट के रिस्पेक्ट में जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन अवेलेबल लाइक अ सॉर्ट एक्स इक्वल्स टू, इस केस में रेंज क्या आसान करा हुए विद इन दैट रेंज. अगर मैंने आसान करा 10 इट इज वैलिड ऑपरेशंस. लेकिन अगर सेम केस में मैं राइट डाउन करता हूँ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, इज इट वैलिड और इनवैलिड. जैसा कि मैं बाइट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जब भी आप किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट को वेरिएबल में असाइन करोगे, और अगर इसे एक्सप्रेशन के केस में टू पॉसिबल केस होंगे. अगर मैं राइट डाउन करता हूँ एक्स इक्वल्स टू डायरेक्टली 10 + 5 तो 10 + 1, दूसरे केस में राइट डाउन क्या करूँ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन. मीन्स इन दोनों ही केसेस में अगर चेक करें सेकेंड केस में 10 क्या है कॉन्स्टेंट, 1 क्या है ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो कॉन्स्टेंट्स के केस में कंपाइलर से और इसका रिजल्ट क्या आएगा 11, नॉट अ चेंजेबल. मीन्स इस केस में रिजल्ट क्या जनरेट हो रहा है 11, 11 मीन्स वैल्यू. तो इसलिए असाइनमेंट कैसा वैलिड. लेकिन इसे पर्टिकुलर केस में बात करें उस केस में एक्स क्या है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल वेरिएबल, और सेकेंड केस में क्या कॉन्स्टेंट. तो वन के केस में तो कंपाइलर से हो रहा है लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में आपको तो विजुअल एक्स का वैल्यू 10 है लेकिन कंपाइलर के लिए वैल्यू अननोन होगा. इसलिए कंपाइलर इस केस में एडिशन किसके बेस पर कराएगा, बेस्ड ऑन रेंज. इस केस में खुद से गेस कर लो जाए मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज. तो मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है इसका वेरिएबल का 3, 2, 6, 7 प्लस कॉन्स्टेंट. एडिशन किसी कराया 1 से. अगर इस केस में अगर सपोज करें किसी पर्टिकुलर केस में एक्स का वैल्यू 32767 होता है तो उस केस में एडिशन क्या है 32768. इज इट वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड. मीन्स रिजल्ट का टाइप क्या है इंटीजर. इसके अलावा मैंने एक और केस डिस्कस किया था अगर किसी भी एक्सप्रेशन में फर्स्ट ऑपरेंड बाइट सॉर्ट है, फर्स्ट ऑपरेंड का टाइप क्या है सॉर्ट, सेकेंड ऑपरेंड का टाइप क्या है सिंपली इंट. इस केस में रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा इंटीजर्स के फॉर्म में. प्लस जैसे एक्सप्रेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व था इसलिए कंपाइलर के पास वैल्यू का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आया. इस केस में तो कंपाइलर से हो रहा है. रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इस केस में भी इंटीजर में है लेकिन इस केस में आपको टाइप कास्टिंग की नीड नहीं, क्योंकि रिजल्ट इंटीजर में है. तो लेकिन ये इंटीजर में कैसा है सिंपल वेरिएबल्स के फॉर्म में. मीन्स वेरिएबल डिपेंडेंट और कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट. मीन्स इस केस में श्योर है रेंज क्या रहा 11 और 11 क्या था विद इन अ रेंज. लेकिन इस केस में कंपाइलर के पास कोई रिजल्ट नहीं है ओनली टाइप अवेलेबल है इंटीजर. तो टाइप के बेसिस पर रेंज क्या हुआ कंपाइल टाइम एरर पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन कंपाइल टाइम एरर पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन फाउंड. वैल्यू किस फॉर्मेट में फाउंड हो रहा है इंटीजर और वी कैन से इंट. जबकि रिक्वायर्ड फॉर्मेट क्या है इसके इसमें शॉर्ट. क्लियर. मीन्स जो केस मैंने प्रीवियस केस में बाइट्स के साथ डिस्कस किए थे वो सारे केस अप्लाई किसके लिए होंगे शॉर्ट डेटा टाइप. वन मोर केस फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रीवियस केस में राइट डाउन किया था बाइट बी इक्वल्स टू बी प्लस वन और बी प्लस प्लस और बी प्लस इक्वल्स टू वन. सेम है इन दैट केस अगेन ट्राई कर दें लाइक अ शॉर्ट एक्स इक्वल्स टू 10. इस केस में अगर मैं राइट डाउन करता हूँ
एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, जैसे आपने प्रीवियस केस में देखा रेज क्या हुआ था, कंपाइल टाइम एरर। लेकिन अगर मैं सेम केस में राइट करता हूँ एक्स प्लस प्लस, देन ये केस कैसा है, वैलिड, क्योंकि इस केस में इम्प्लीसिट कन्वर्जन किया, इट इज इक्वेलेंट टू टाइप कास्टिंग। किस में हुआ इस केस में, प्रीवियस केस में एक्स का टाइप वाइट वाइट था, इसलिए कन्वर्जन किस में हो रहा था, बाइट में। लेकिन इस केस में एक्स का टाइप क्या, शॉर्ट, तो इम्प्लीसिटली टाइप कन्वर्जन भी किस में होगा, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट, देन एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वेलेंट वे। सेम एज अगर मैं यूज करता हूँ एक्स प्लस इक्वल्स टू वन, इस केस में इसका मीनिंग क्या है, सेम, एक्स इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग इन टू टाइप ऑफ एक्स विच इज शॉर्ट एक्स प्लस वन। क्लियर, जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस केस में बाइट के लिए अप्लाई हुई, तो ऑलमोस्ट सेम रूल अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट। जस्ट नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट इंटीजर डेटा टाइप। वन मोर थिंग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाइट डेटा टाइप को यूज करने का मेन पर्पज क्या होगा, जब भी आपको डेटा नेटवर्क में सेंड करना, तो नेटवर्क के अंदर डेटा हमेशा स्ट्रीम्स के फॉर्म में सेंड होता है, तो स्ट्रीम के केस में आपके लिए बेस्ट सूटेबल टाइप क्या था, बाइट। सिमिलरली शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट किस केस में सूटेबल होगा, जनरली इन ओल्ड वर्जन, प्रीवियस इन 90 और 95 समथिंग 2000, इस ड्यूरेशन में सबसे पॉपुलर बोर्ड कौन से थे, मदरबोर्ड ऑफ प्रोसेसर्स, 16 बिट प्रोसेसर्स के थ्रू गिवन टाइम ड्यूरेशन में पर यूनिट में एट ए टाइम 16 बिट इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना पॉसिबल हुआ था। तो शॉर्ट के केस में बात करना, शॉर्ट इट सेल्फ, अगर शॉर्ट टाइप का कोई वेरिएबल है, इसके बाद से इन्फॉर्मेशन भी कितना हुआ, शॉर्ट का साइज क्या, 16 बिट। तो 16 बिट के केस में इस प्रोसेसर्स के लिए गिवन टाइम यूनिट में रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस भी कितने पर यूनिट और पर नैनो सेकंड, 16। शॉर्ट के थ्रू सेंड भी कितने होंगे, शॉर्ट के फॉर्म में 16। इसे मीन्स शॉर्ट इज अ कॉम्पैटिबल विद 16-bit बोर्ड्स और 16-bit मदर बोर्ड्स, बट इट इज नॉट कॉम्पैटिबल विद 32-bit और 64-bit। करंट डेज में बात करें, नाउ डेज 32-bit और 64-bit बोर्ड बिकम्स मोस्ट पॉपुलर, बट 16-bit बोर्ड्स बिकम्स आउटडेटेड। तो शॉर्ट में किस टाइप का डेटा टाइप है, शॉर्ट इज ऑल्सो आउटडेटेड। रीजन, करंटली मीन्स कोई भी मशीन 16-bit बोर्ड यूज नहीं करता 90% केसेस में, इसलिए शॉर्ट भी कैसा, शॉर्ट इज ऑल्सो बिकम्स आउटडेटेड डेटा टाइप, मीन्स बहुत रेयर केस में यूज करोगे, मोस्टली यूज क्या करेंगे, समथिंग इंटीजर। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे जस्ट इंटीजर टाइप्स।